ठीक ना बोल। हेलो अमू, सुन प्रीति को मिलने चलना है, मेरी अभी उससे बात हुई थी, थोड़ी परेशान लग रही थी। परेशान थी? पर कल जब मेरी उससे बात हुई तब तो परेशान नहीं थी। अब अच्छा एक काम करना, कल उसे मेरे घर लेकर आ जा। हाँ ठीक है। और हाँ सुन, जीत को ना मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। सॉरी क्यों? वो एक्चुअली आज वो मुझे दिखे थे तो मैं इतनी जल्दी में थी कि उन्हें हाय बोलना भूल गई, और वो इतना बिजी थे कि उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अमित कहाँ मिले तुझे? सुबह बैंड्रा कैफे में बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे आई गेस। ये कुछ 11:30 बजे। अरे हाँ वो उनकी मीटिंग थी। अब अच्छा जिगना मैं फोन रखती हूँ, कल मिलते हैं ठीक है, बाय। आप ऑफिस में इतने देरी से कैसे आए? वो मैं परल गया था, ट्रैवल एजेंट से कुछ काम था। पहले अमित ने कहा कि ऑफिस में काम है, जब मैं ऑफिस पहुंची तो कहने लगे कि परेल गए थे ट्रैवल एजेंट के पास, लेकिन तो मैं बैंड्रा में थी। अमित ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तो कभी झूठ नहीं बोलते, शायद मैंने ही समझने में गलती कर ली होगी। पर चिन्ना ने कहा कि पूरा कैफे और परेल। अमिता, आज ऑफिस में आपकी बातें हो रही थी, आपने जो आमरस बनाकर भेजा था ना, लोगों को इतना पसंद आया कि बस तारीफ करते करते थक नहीं रहे। खास करके जो मेरी एचआर है ना लालवानी जी, अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान है, कह रही थी कि अमिता की कोई बहन है तो उससे शादी करवा दूं। अमित, आज आप सुबह परेल गए थे ना अपने ट्रैवल एजेंट से मिलने, हाँ क्यों? नहीं वो मेरे एक मामा जी वहां रहते हैं तो इसलिए पूछ लिया। आपके मामा का इस बात से क्या लेना है? कुछ नहीं, वो बस परेल की बात निकली तो याद आ गया। अमित, जितना कह रही थी कि उसने आपको बैंड्रा कैफे में देखा। अच्छा, यानी अब आपकी सहेलियां मेरी जासूसी करेंगी? नहीं अमित, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस जितना ने आपको देखा तो इसलिए मुझे बताया। आपने कहा आपको ऑफिस में काम है और फिर जब ऑफिस पहुंची तो पता चला कि आप परेल गए अपने ट्रैवल एजेंट से मिलने, फिर आप बैंड्रा कैफे। अमित, आपको हर बात बताकर करनी पड़ेगी, मैं किससे मिलता हूँ क्या करता हूँ। नहीं अमित, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था आपका? देखिए अमिता, वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, और इस वक्त बताने जैसा कुछ भी नहीं है। वैसे जिग्ना ने मुझे किसके साथ देखा? अब किसी के साथ नहीं, वो तो कह रही थी कि आप किसी का इंतजार कर रहे थे। हाँ वो मैं ट्रैवल एजेंट का इंतजार कर रहा था, मैं उसे परेल में मिलने वाला था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं बैंड्रा में, बैंड्रा मिलने चला गया। और कुछ पूछना? अब सॉरी पर अमित, मेरा सोचना गलत नहीं था, मुझे लगा कि शायद आप परेशान होंगे। खैर जाने दीजिए, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी अमिता बेटा। जी मम्मी जी। जरा यहाँ आना। ये तुम्हारी और अमित के लिए दोपहर से आया हुआ था, मैं देना ही भूल गई। मेरे और अमित के लिए? हाँ क्या है,
कहाँ से आया? पता नहीं। ओ मम्मी जी, हम लोग नावला में जो रिसोर्ट में रुके थे ना, वहां से आया। देखना कितनी सुंदर तस्वीर है। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। और इस तस्वीर में तुम दोनों कितने खुश लग रहे हो। हाँ मम्मी जी, हमें वहां बहुत मजा आया और हम इतना बहुत खुश थे। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। नहीं, आंखें बंद करके टीवी देख रहा हूँ। अमिता 9:30 बजे, मेरा सोने का वक्त हो गया। सो नहीं तो और क्या करूँ। ये देखिए ना कितना सुंदर है। कल देख लूंगा, कल भी इतना ही सुंदर रहेगा। अमित प्लीज देखिए ना, ये लोनावला से आया है। जिस रिसोर्ट में हम रुके थे ना, वहां के लोगों ने भेजा है। अभी देखना जरूरी है, मुझे सोने तो बहुत नींद आ रही है। अमिता ठीक है, मत देखना, कल भी मत देखना, कभी मत देखना। फोन उठा के कह दूं कि आप कल बात करेंगे, फिर से बाहर का नंबर। नहीं देखनी थी, मत देख, तोड़ दिया। ग्लास टूट गया। सॉरी, कल नया ग्लास लगा दूंगा। आपको तो बड़ी नींद आ रही थी ना? जी, लेकिन ये फोन भी थोड़ा जरूरी था। तो बाथरूम में जाके बात करना भी जरूरी था। अमित, यूएस के क्लाइंट का फोन आएगा तो आप बाथरूम में जाकर बात करेंगे। मैं बुद्धू हूँ, पर इतनी भी नहीं कि आप अगर क्लाइंट से बात करें मैं आपको तंग करूंगी। अमिता एक मिनट, दिखाना सर। अच्छी है। अच्छा, कल पक्का मैं नया ग्लास लगवा दूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। आप फिर सो गए? अब कल जिग्ना और प्रीति घर पर आ रहे। जिग्ना बता रही थी कि प्रीति थोड़ी परेशान है, पता नहीं क्या बात होगी। कोई बात, बस अमिता आपको दूसरों की जिंदगी में ना दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अमित वो कोई दूसरी नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी है।
अमिता वॉशरूम की है, बस आती होगी। आप लोग कुछ लेंगे चाय कॉफी वगैरह? क्योंकि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नहीं नहीं थैंक यू। ओके जीत। हाँ हम लोग एक्चुअली कुछ बात करने के लिए आए थे, अगर आप भी होते तो वो अच्छा रहता। मैं? अरे तुम लोग आ गए। अमित आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे हम लोग बस अभी अभी तो आए हैं। बिल्कुल तू आ बैठ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए हमने जीट्स को भी रोक लिया। ऐसे क्या बात है? तू बैठ तो सही। मैं चेयर लेकर आता हूँ। वो बात ये है कि वो, अरे क्या ये वो जीत, एक्चुअली बात ये है कि आपके कजिन और दोस्त संजय की वजह से प्रीति बहुत परेशान है। वो बार बार शादी की तारीख आगे करते जा रहे हैं। फिर से शादी की तारीख आगे कर दी? क्यों? पता नहीं। तूने संजय से पूछा क्यों नहीं? बात की उनसे? बात की थी मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जरूरी काम जो शादी से पहले उन्हें पूरा करना है। अब अमित आप प्लीज संजय से बात कीजिए ना। और ये बार बार शादी की तारीख आगे बढ़ाना अच्छी बात तो नहीं होती ना। प्रीति और उसकी फैमिली पर क्या बीतेगी ये उन्हें सोचना चाहिए। आप लोगों को हर चीज़ की इतनी जल्दी क्यों होती? हर चीज़ अपने वक्त के हिसाब से होती है, वक्त के पहले कुछ नहीं होता। I'm sorry, लेकिन मैं संजय से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। अमित एक मिनट, अमित शादी सिर्फ संजय की नहीं होगी, शादी मेरी भी होगी। अगर ये संजय की जिंदगी का सवाल है तो ये मेरी भी जिंदगी का सवाल है। मेरी जिंदगी अब संजय से जुड़ी हुई, तो मेरा इतना हक तो बनता ही है कि मैं ये पूछ सकूं कि ये शादी में डिले क्यों हो रहा है। अमित क्या संजय को एंगेजमेंट के बाद से मैं पसंद नहीं, या फिर कोई और रीजन है? आप तो जानते ही होंगे ना। अमित आप प्लीज मुझे बताइए कि रीजन क्या है। ऐसी बात नहीं है प्रीति, संजय बस अपने काम में थोड़ा बिजी है, इसलिए वो चाहता है कि जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो आपके साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि आपके ऊपर वो पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा ना। अगर इतनी बात है तो ठीक है ना? नहीं अम्मू बात ठीक नहीं है। इन सब बातों से भी शादी की डेट आगे क्यों बढ़ रही है उसका रीजन सामने नहीं आया। रोहन क्या कर रहे हो बेबी? या यहाँ पर वाइस इन्वेस्टमेंट्स की सारी फाइल्स हैं, इन्हें हटाना है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये सामान रखना सेफ नहीं है, अमिता की नजरें बहुत तेज है। किसकी? वो डफर भेंजी की? वो डफर नहीं है रिया, वो सिर्फ बनती है। मतलब? तुम्हें पता है कल उसने अकाउंट्स का घपला एक सेकेंड में पकड़ लिया, वो तो मैं बाल बाल बच गया बिकॉज मैंने सारा इल्जाम वो अकाउंटेंट के सिर पर डाल दिया, लेकिन हर बार मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए मुझे ये सारे पेपर्स कहीं छिपा देने चाहिए बिकॉज माहौल बहुत गर्म है। मेरा मतलब है कि कचौड़ियां गर्म है, जल्दी चलिए वरना ठंडी हो जाएगी। तुम भी ना क्या क्या करती रहती हो अमिता। तुम जाओ हम लोग आते हैं। हाँ ठीक।
मेरी फाइल से गिर गया होगा। अमिता सुनो, कचौरी ठंडी हो जाएंगी, चलें। तुम जल्दी आना, बहुत भूख लग रही। अच्छा हुआ तुमने कचौरियाँ बना ली, मेरा बहुत मन कर रहा था। वाइज इन्वेस्टमेंट का कार्ड रोहन के पास क्यों और कैसे? अमित को बताऊं? नहीं, ये तो सिर्फ एक कार्ड है। पिछली बार रिया की अलमारी में पूरी फाइल थी और कुछ भी नहीं हुआ, और अब तक तो कार्ड छुपा भी दिया होगा। लेकिन अगर इनके पास वाइज इन्वेस्टमेंट का कार्ड है तो जरूर कोई ना कोई संबंध होगा। कैसे पता लगाऊं? हाँ मोटी, पापा का फोन लगा, नहीं इसलिए मुझे फोन किया ना। रुक जा, पापा को बुलाता हूँ। नहीं अतुल सुन, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या हुआ? कल तुझे मेरे साथ एक जगह चलनी होगी, मैं अंदर नहीं आऊंगी, तुझे अकेले जाना पड़ेगा। लेकिन हमू हुआ क्या? तू पहले बता, चलेगा कि नहीं? हाँ, जाना कहाँ? वाइज इन्वेस्टमेंट की ऑफिस। एक बार फिर सोच। मैंने सोच लिया तो। ठीक है, तो अमिता अतुल ए स्क्वायर कल साथ में चल। अमिता, किसका फोन था? अब घर से था, कोई खास बात नहीं थी। मैंने कब कहा कोई खास बात? यूएस के क्लाइंट का है ना? आप यही बात कर लीजिए ना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। क्या हुआ? नहीं, बाद में बात कर लूंगा, अभी मन नहीं है। सच में अमिता, और कोई बात नहीं है, बस मन नहीं है। मैंने कब कहा कि कोई बात है? मुझे कल बाहर जाना है, मम्मी को काम है। हाँ, अब चली जाना। यही जगह है ना? हेड पर तो यही था। अम्मू, परेशान क्यों हो रही? तुझे याद नहीं है क्या? अमिता अतुल स्क्वायर, गली के सबसे बड़े जासूस थे हम लोग। तू गाड़ी में बैठ, मैं चेक करके आता हूँ। हाँ, अगर रोहन ऊपर होगा तो मुझे पहचान लेगा। टेंशन मत ले, मैं संभालूंगा। क्या हुआ? यहाँ के बॉस तो मिस्टर बंसल है, मोहन शाह को कोई जानता भी नहीं है। तुझे किसी ने देखा तो नहीं ना? अम्मू, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं ना।
रोहन